देखिए, अब शादी धूमधाम से होगी ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा कि इतने ही लोगों को शामिल होना है। हमारे साथ दीप्ति चौरसिया भोपाल से जुड़ गई हैं, साथ ही इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले इंदौर की बात कर लेते हैं मिथिलेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कहर देखने को मिल रहा था कोरोना के मामलों का इस तीसरी लहर में भी और उससे पहले भी, इंदौर में काफी ज्यादा जो है मामले आ रहे थे, लेकिन प्रतिबंध अब धीरे धीरे कम किए जाना शुरू हो गए हैं। कोरोना की इस वक्त इंदौर में क्या स्थिति है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि लोग अब कितना राहत के तौर पर इसे देख रहे हैं जब प्रतिबंध को हटा दिया गया है कि 250 लोगों को शामिल नहीं होना है। देखिए, सबसे पहले इंदौर में मैं आपको कोरोना का इस वक्त क्या हाल है वो बताना चाहूँगा। इंदौर में 3372, इस बार तीसरी लहर का कोरोना का पीक 22 जनवरी को 3372 केस आया था, उसके बाद से ही लगातार जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो कम होने लग गई थी और आज कल 24 घंटे के बाद की जाए तो 600-650 के आसपास अब मरीज सामने आए हैं। वहीं अगर ठीक होकर घर पहुंचने वाले लोगों की बात करें तो जहां 10 दिन पहले 18 से 20 हज़ार लोग पॉजिटिव हो चुके थे, वो संख्या भी घटकर 7 से 8 हज़ार पहुंच चुकी है। तो ये है कि अब पॉजिटिव दर जो है वो काफ़ी कम हो गई है, लोग रिकवर काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, जो पॉजिटिव संख्या थी वो कम आने लग गई, जहाँ 3 हज़ार था अब 600-700 आने लग गया। इसके बाद से अब ढील दे दी गई है और सिर्फ ढील पूरे प्रदेश के लिए दे दिया गया है। बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर बड़ी शादियाँ होने वाली इंदौर में करीब 450 गार्डन बुक है, 300 से ज़्यादा होटल बुक है, तो ये उन लोगों को बड़ी सौगात मिली है, उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो बहुत दिनों से अपनी शादियों की तैयारी कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आते ही कई सारी पाबंदियां लगा दी गई, नाइट कर्फ्यू हालांकि जो शुरू था वो अभी भी जारी रहेगा, लेकिन जो 250 की संख्या थी, जो सीमित संख्या थी, उसे हटा दिया गया है। तो अब लोग धूमधड़ाके से अपनी शादी करेंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ सतर्कता रखना बहुत जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइन के जो नियम है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। सीमित संख्या जो है वो हटा दी गई, लेकिन करीब 850, आज अगर आज बसंत पंचमी की अगर हम बात करते हैं तो 850 से ज्यादा शादियां इंदौर में होनी है। 2 साल पहले करीब 800 शादी एक साल बसंत पंचमी के दिन हुई थी, जो आज 850 के पास है, तो मतलब एक बड़ा रिकॉर्ड है। बड़ी शादियां का आज पेरिस थी, लोग इंतजार कर रहे थे, धूमधाम तरीके से लोग अपने शादी का जश्न मनाएंगे। और एक जो व्यापार और व्यवसाय की बात करी जा रही थी, चाहे वो बैरिज गार्डन वाले, चाहे होटल रेस्टोरेंट बैंड बाजा वाले, घोड़ा वाले, जो भी लोग थे, अब उन लोगों को भी खुशी देखने को मिल, उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि अब उनका जो व्यवसाय है वो चल पड़ा है। आज अगर इंदौर की बात की जाए तो सुबह से ही आतिशबाजी दुकान में भीड़ देखने को मिल रही है, जो चहल पहल है पूरी तरीके से बाजारों में देखने को मिल रहा है। और एक बार जो शादी की तैयारियों में जो लोग जुटे थे, उन्हें सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है कि उनके जो बाहर के जो मेहमान है, जो दूर दराज से आ रहे थे, जो बड़ा परिवार था, वो इस बात पर चिंता था कि जो शादी है सिर्फ 250 लोग आ पाएंगे, दोनों परिवार को मिला के 250 लोगों को मौजूद रहना था। तो हालांकि अब शादी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बेहद जरूरी हो जाता है कि आप शादी में जश्न शामिल हो, सावधानी अब भी बरतनी होगी। आप सही कह रहे हैं मिथिलेश की, अब उत्साह तो लोग हैं, उत्साहित तो लोग हैं, उत्साह तो लोगों में है कि अब शादी जो है धूमधाम से हो पाएगी। दीप्ति, एक राहत के तौर पर इसे लोग देख रहे हैं कि अब शादी समारोह में 250 से ज्यादा लोग शामिल हो पाएंगे। धीरे धीरे बाकी प्रतिबंधों को भी अब कम किया जाना शुरू कर दिया गया है सरकार की ओर से, राहत तो है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना पूरे तरीके से खत्म हो गया है और सावधानी अब भी बरतने की जरूरत है। कितना मुश्किल ये हो पाएगा लोगों को समझाना कि अभी भी आपको सावधान रहना है? बिल्कुल, लोगों को समझाना मुश्किल होगा। मुश्किल होने की सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहला जो प्रतिबंध शादियों पर से हटाया गया है, क्योंकि आमतौर पर जो प्रतिबंध रखे गए थे पिछली बार वो राजनीतिक रैलियों को लेकर थे और बहुत सारे आयोजनों को लेकर थे, और उसके साथ साथ शादियों को लेकर भी थे कि केवल 250 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो अब जिनके घरों में शादियाँ थी वो बड़े असमंजस में थे कि आखिर क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन अब चूंकि प्रतिबंध समाप्त हो गया है तो सबसे पहले जो समझाने की बात होगी या संभलने की बात होगी वो शादियों से ही होगी, क्योंकि आज से शादियां शुरू हो गई हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में। आज तो जो है इतनी सारी शादियां हैं, कहा जा रहा है कि आज जितनी शादियां हैं उसमें एक तरीके से रिकॉर्ड बनने वाला है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में शादी हैं, क्योंकि जिस मुहूर्त में बसंत पंचमी आई है उसमें ज़्यादा लोगों की शादियाँ हो रही हैं। तो ज़्यादा शादी के मुहूर्त होने के चलते दूसरी बड़ी बात यह होगी कि भीड़ भी उतनी ही जुटेगी, और संख्या कम हो गई है तो भी लोग ज़्यादा जुटेंगे। और आमतौर पर शादी वगैरह में कितनी ही कोशिश कर ली जाए, इस तरह के आयोजनों में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की जाती। जहाँ तक मास्क की बात है तो व्यक्ति विशेष अगर चाहे तो अपने आप को बचाने के लिए मास्क लगाता है,
लेकिन आम तौर पर बड़े पारिवारिक आयोजनों में भी किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तो निश्चित ही अपने आप में एक चिंताजनक बात भी है कि पाबंदियां तो हट गई हैं, लेकिन इन पाबंदियों को हटने के बाद भी किस तरह से और कैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, अगर नहीं करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि अब ये कोविड जो है एक तरीके से फ्लू के तौर पर आया है तो केस फिर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में थर्ड वेव आकर जा चुकी है, पीक उसका आ चुका है और सब जगह देखने को मिल रहा है कि केस घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छूट का मतलब लोग ये वापस ना समझ लें कि कोरोना खत्म हो गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोरोना है, फिर चाहे आप किसी शादी समारोह में जाएं, चाहे आप किसी राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बने, चाहे आप किसी धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बने, या फिर आप बिल्कुल यानी कि जितनी ध्यान आप भी रखना होगा, आप भी जिक्र कर रही हैं ऐसा। और जाहिर तौर पर हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि अगर शादी समारोह में आप शामिल होते भी हैं तो भी कोरोना की गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मास्क तो आप जरूर पहने ही और ध्यान जो है इन चीजों का रखें। मिथिलेश, इंदौर की हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा मामले यहाँ पर एकदम से आना शुरू हो गए थे और कोरोना की स्थिति आपने बताई कि अब पहले के मुकाबले मामले कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अगर किसी का निधन हो जाता है वहां पर लोगों को शामिल होना है तो 85 लोग जो है शामिल हो पाएंगे, यानी कि अंतिम संस्कार में अब भी 85 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। इसके अलावा और भी कई ऐसी पाबंदियां हैं जो अभी जारी हैं, तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे उन पाबंदियों को भी कम कर देगी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सरकार जो ढील है वो आपको देते जा रही है क्योंकि कोरोना संक्रमण केस कम होते जा रहे हैं। शादियों का एक बड़ा बसंत पंचमी के दिन एक बड़ा मुहूर्त था, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और बहुत बड़ी शादियां होने वाली हैं। इसको देखते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि शादियों से पाबंदी हटा दी जाए। देखिए, पाबंदियां तो हमने हटा दी हैं, लेकिन अब हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। राजनीतिक कार्यक्रम है, चाहे धार्मिक आयोजन है, चाहे रैली है, दूसरे भी जो कार्यक्रम है, अंतिम संस्कार जिसकी हम बात कर रहे हैं, आने वाले समय में जैसे जैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होती जाएगी, आने वाले समय में सब में ढिलाई मिलने लग जाएगी। लेकिन ये समझना होगा हमें कि इसी में अगर इंदौर की बात करता हूं तो जनवरी में करीब 45 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, हमें यह नहीं भूलना होगा। अब तक 1450 लोगों से अधिक लोगों की तीनों लहर में मिला के मौत हो चुकी है, हमें यह नहीं भूलना होगा। 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, अस्पतालों का हाल हमने देखा है। तो ये वो जो हमने पहली लहर, दूसरी लहर, हमने जो कुछ देखा है, जिसके परिवार के अपने चले गए, हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना होगा। जब इंदौर में शुरुआत में अभी तीसरी लहर में करीब 20 या 25 केस थे, 20-25 केस से मात्र महज 15 से 18 दिन के अंदर में केस 3372 तक पहुंच चुका है। तो यह हमें समझना होगा कि जब संक्रमण तेजी से फैलता है तो रुकता नहीं है, और अगर आज इंदौर में 6,650 केस आ रहे हैं तो मतलब संक्रमण अभी भी बहुत ज्यादा है। वो आसपास ही आपके लोग हैं जो बड़े कार्यक्रम शामिल होंगे, अगर वो संक्रमित होंगे तो ये वापस से फिर से कोरोना विस्फोट होगा। सबसे ज्यादा अगर बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चे 13,000 से ज्यादा जनवरी में इंदौर में बच्चे संक्रमित हुए। अगर आप शादी के आयोजन पहुंचते हैं, छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं, अगर आप लापरवाही करेंगे आपके बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, और ये इस बार देखने को मिला कि सबसे ज्यादा बच्चे भी संक्रमित होकर अस्पताल पहुंचे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे अब पीक पहुंचा, पीक के बाद से कोरोना केसेस कम होने लग गए, सीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक की, शादी का आयोजन देखते उन्होंने ढिलाई दे दिया, आने वाले समय में केस 600 से 500 400 होंगे। प्रदेश में भी जिस रफ्तार से हर जिलों में केस कम हो रहे हैं, जितनी तेजी से रफ्तार में केस कम होंगे उतनी ही ज्यादा नाइट कर्फ्यू बैठाया जाएगा, अंतिम संस्कार की संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इन सबके बावजूद अब हमें हमारी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हम अगर बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े आयोजन में जाते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ये हमें मालूम है, बेहतर मालूम है कि हमें लोगों से अगर अपने आप को बचाना है तो हमें मास्क लगाना है। अगर हम भीड़ भाड़ इलाके में अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, और ज्यादा ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में अगर काम नहीं है तो अपने आप को जाने से रोकें, ये हम सबको बेहतर समझ चुके हैं। और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब कोरोना गाइडलाइन नियम का पालन हम ही करना होगा, क्योंकि इसके साथ हमें अब जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। पहले पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, अब विदेशों से अगर बात की जाए तो नए नए ओमिक्रॉन के, कोरोना के नए नए वेरियंट है जो म्यूटेंट हो रहे हैं, वो काफी खतरनाक है। तो आने वाली तस्वीर में इसी तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में कि जो 600 केस है 500 तक आए, और विदेशों में जिस तरीके से वापस से कोविड के केसेस बढ़ने लग जाते हैं या ओमिक्रॉन के दूसरे नए म्यूटेंट मिलने लग जाते हैं, तो फिर से वो तीसरी चौथी लहर जिसकी हम बात करते हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। तो अब हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, हमें जागरूक होना है, हमें बिल्कुल ये सोच लेना है कि अगर हमें हमारे घर तक कोरोना नहीं लाना है तो हमें कोरोना के नियम का पालन करना होगा।
कोरोना केसेस कम देख के सरकार ढील देती जाएगी, लेकिन उस ढिलाई के साथ में आपको लापरवाही नहीं करना, ये हमें बेहद समझना है। और इसी बात को स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे मेडिकल एक्सपर्ट के लोग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हो, लोगों से बार बार भी अपील उन्होंने किया है कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आप वैक्सीन अपने आपको लगवा लें। लोग अगर आप भीड़ भाड़ जाने से अपने आपको रोके, मास्क सरकार अपील भी करती रही है। मिथिलेश दीप्ति, अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, कई बार महाअभियान चलाया गया वैक्सीनेशन को लेकर, और अब जब धीरे धीरे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, और अब बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, ऐसे में क्या सरकार इस चीज पर भी ध्यान देगी कि अगर प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं तो भी वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसे तो पूरा किया जाए? देखिए, वैक्सीनेशन के टारगेट को ही ध्यान में अगर हम ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन हुआ है उसी की उसी का कारण रहा कि जो थर्ड वेव आई वो इतनी ज़्यादा घातक नहीं रही जितनी की सेकंड वेव थी या जितनी की फर्स्ट वेव थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से लोगों की इम्यूनिटी इतनी बढ़ी कि जो कोरोना है वो एक फ्लू के तर्ज पे आ गया, मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए जिनको पता ही नहीं था कि वो पॉजिटिव हैं, तो इस तरह की भी स्थितियाँ रहीं। तो कहीं ना कहीं कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये बात सरकार भी समझती है और ये बात सभी समझते हैं। तो जो वैक्सीनेशन का टारगेट है, मुझे नहीं लगता कि उस कैंपेनिंग को कभी सरकार रोकेगी या उस कैंपेनिंग को कभी बंद किया जाएगा या उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना से लड़ने के जो सारे जो मापदंड बने थे उसमें वैक्सीनेशन के बाद से सबसे पहला पहला जो टारगेट रखा गया वो वैक्सीनेशन ही रखा गया कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए कि वो खुद को कोरोना से इम्यून कर सके, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सके। तो इसमें बिल्कुल ये नहीं लगता कि कोरोना खत्म होने से वैक्सीनेशन के टारगेट में कुछ कमी आएगी या वैक्सीनेशन में कुछ कमी आएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिनको जो सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई है, उनकी ढूंढाई भी जारी है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, तो इस तरह के लोग तो अभी और होंगे जिन्हें ढूंढना भी होगा, देखना भी होगा। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन अब जो है अब मेडिकल स्टोर्स पे मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेगी, तो कभी भी वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। बिल्कुल, इस पर भी ध्यान जरूर देना होगा क्योंकि पाबंदियां अब धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। जैसा कि हम शादी का भी जिक्र कर रहे हैं कि शादी में अब 250 से ज्यादा लोग शामिल हो पाएंगे। विनोद भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनोद, ग्वालियर में कितनी बड़ी राहत के तौर पर जनता इसे देख रही है कि अब शादियों में 250 लोगों के ही शामिल होने को इजाजत नहीं होगी, यानी कि अपनी क्षमता के आधार पर कितने भी लोगों को आमंत्रित किया जा सकेगा? देखिए, मैं बता दूं, अगर हम आज की ही बात करते हैं तो ग्वालियर अकेले ग्वालियर शहर में लगभग 600 के करीब आज की शादियां हैं, और इन शादियों के लिए लोगों ने पहले से ही इंतजाम व्यवस्था कर ली है। लेकिन चूंकि सरकार का ये फैसला कल हुआ है कि अब प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो ऐसे में किसी भी शादी में जहां 200-250 लोगों को आमंत्रित किया गया था उनमें एकदम से 1000 लोगों को आमंत्रित कर दिया जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो इंतजाम किए गए हैं वो एक सीमित संख्या के मेहमानों के लिए इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब दूसरी शादियों के मुहूर्त आएंगे, फरवरी में और भी कई शादियां हैं, तो उस बीच जरूर अब ये प्रतिबंध हट गया है तो बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। लेकिन याद रखना होगा कि ये प्रतिबंध केवल अभी शादियों से हटाया गया है, बाकी अन्य जितने भी प्रतिबंध थे वो यथावत रहेंगे जैसा कि आदेश मिला है। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी एक तरह से देख रही है, चूंकि इस बार कोरोना की जो तीसरी लहर थी उसमें थोड़ी सी राहत वाली बात ये रही कि किसी को बड़ी संख्या में हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस देखने को मिली। अगर हम इसकी तुलना दूसरी लहर से करते हैं तो दूसरी लहर में कोविड का संक्रमण खत्म होने के 15 दिन तक तो सारे प्रतिबंध यथावत रहे, उसके बाद धीरे धीरे शुरू किए। इस बार सरकार थोड़ा सा जल्दबाजी इसीलिए दिखा रही है क्योंकि कोई भी ऐसे गंभीर केस सामने नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में शादियों के बाद जो अन्य प्रतिबंध हैं उन पर भी सरकार विचार कर सकती है। लेकिन लोगों से साफ कहा गया है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं। शादियों में अक्सर हमने देखा है कि न तो कोई मास्क लगाता और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता। जब बारात जाती है तो खूब लोग एक दूसरे से सट के नाचते हैं, डांस करते हैं, और जब खाना खाते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात आप छोड़ दीजिए। इसलिए ये महज एक औपचारिकता है, क्योंकि शादियों में जैसी तस्वीर हमें दूसरे कोरोना में दिखाई दी थी
वैसी इस बार भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से जल्दबाजी कर रही है, ये थोड़ा सा, ये महज एक औपचारिकता है और ये चीजें फॉलो हो नहीं पाती। हालांकि कह दिया जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन शादी जैसे जो फंक्शंस होते हैं उनमें ये चीज इतनी ज्यादा फॉलो नहीं हो पाती। इंदौर से मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, इंदौर में भी जाहिर तौर पर शादियों का सीजन हर जगह पर चल रहा है, तो यहाँ पर भी कई शादियां अभी पहले से प्री प्लान्ड होंगी, तो कितना मुश्किल हम समझे कि अगर शादियां होती हैं फिर भी लोगों को ये समझा पाना कि अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, इस तरह की चीजें हो नहीं पाती, जैसा कि अभी विनोद भी जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे हमारे सहयोगी विनोद जी ने ग्वालियर से जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा हो पाता है कि शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि लोग डांस करते हैं, एक दूसरे से सट के डांस करते हैं, नाचते हैं, खाना खाते समय सोशल डिस्टेंसिंग तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा शादियों में होती है। अब देखिए, समझाइश के लोग अपने अलग अलग तरीके से समझाइश देते हैं। जो कार्ड शादियों की जो पत्रिका है, जो कार्ड है, उसका स्वरूप बदल गया। अगर कार्ड के जहाँ पे इस कार्ड में वर और वधू का नाम दिया जाता है, उसके नीचे अब लोग मेंशन करते हैं कि मास्क जरूर पहन के आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो लोग अपने अपने जो शादी कार्ड है उससे मैसेज देते हैं। शादी के जो गेट है वहाँ पे भी अब मास्क की व्यवस्था रखी जाने लगी है कि आप अगर मास्क लगा के नहीं आए हैं तो आप बाहर से ही एंट्री अगर करते हैं तो मास्क लेके करें। जहाँ पे फूड स्टॉल लगाई जाती है वहाँ पे भी अब मास्क रखा जाता है, और जो कैटरिंग वाले लोग हैं अब ये मास्क और जो सैनिटाइजर है ये अब कैटरिंग के साथ में जुड़ चुका है, एड ऑन हो चुका है कि अगर कैटरिंग में खाने और पानी और सभी तमाम चीज़ की व्यवस्था की जाती है तो उसके साथ ही अब कैटरिंग में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाती है। अब ये है कि आप वहाँ कितना पालन करते हैं ये आपको तय करना होगा। और इसके साथ ही मैं इंदौर से आपको दो बातें और बताना चाहता हूं, एक है जिम्मेदारी की, दूसरी लापरवाही की। इंदौर से एक मामला ऐसा सामने आया कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करके वैक्सीन लगवाती है, लेकिन उसके ही पति वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और वो पिछले दो महीने से तीन महीने से इस चीज से काफी परेशान है। आखिरकार उसे एडीएम के शरण लेना पड़ा, उन्होंने एडीएम को फोन लगाया, कहा सर मेरा पति वैक्सीन नहीं लगवा रहे कोरोना का, कैसे भी करके उन्हें वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि अगर ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय इनकी, अगर ये संक्रमित होते हैं तो अस्पताल जा सकते हैं, काफी पैसा का खर्चा हो सकता है, इलाज में काफी पैसा लग सकता है, और ये संक्रमित होने के बाद कई लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करती हूं कि सर कि उनको वैक्सीन लगवाएं, और दूसरा आप लोगों के लिए कंपलसरी कर दें कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तो उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। तो देखिए, ये एक जागरूकता परचय, जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, उन्होंने हजारों लोगों को मोटिवेट करके वैक्सीन लगवाया। दूसरी अगर हम लापरवाही की बात करते हैं तो एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहां पे जब स्कूल के खिलाफ में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश दिया कि जो भी स्कूल वैक्सीन को लेकर लापरवाही करेंगे, बच्चों के वैक्सीन लगाने को लेकर, उन्हें सील किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, तो एक स्कूल में 20 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन ही नहीं लगा और उनका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। स्कूलों में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, स्कूलों का भी जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं मिथिलेश, शादियों में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वैक्सीनेटेड ना हो। अच्छा दीप्ति, मुख्यमंत्री ने समीक्षा भी की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 बजे समीक्षा भी की है कि कोरोना को लेकर क्या स्थिति इस वक्त प्रदेश में है, साथ ही ये ऐलान तो किया ही है कि 250 से ज़्यादा लोग अब शामिल हो पाएंगे शादियों में, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। साथ ही अभी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध लागू रहेंगे अगर शादी के अलावा हम बात करें? देखिए, ज़्यादा प्रतिबंध जो है इससे पहले वैसे भी नहीं लगाए गए थे, एक नाइट कर्फ्यू था, तो नाइट कर्फ्यू को हटाने को लेकर अभी कोई बात नहीं आई, 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा था। इसके अलावा शादियों में लोगों की संख्या को पाबंद किया गया था, राजनीतिक रैलियां नहीं हो रही थी, और जो भी हॉल में कार्यक्रम थे उसमें भी 50% कैपेसिटी के साथ था। तो अब सबसे बड़ी जो भीड़ जुटती है वो शादियों में जुटती है, तो शादियों का प्रतिबंध हटा दिया गया है, और बाकी प्रतिबंध ऐसे दो तीन ही लगे थे जिनको लेकर अभी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए तो अभी भी है कि रैलियां नहीं होंगी, जिन राज्यों में चुनाव है उनमें भी नहीं हो रही। हालांकि मध्य प्रदेश में हालात पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं, और जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो वेव है वो पिक आकर उसका जा चुका है, तो अब धीरे धीरे सभी जगह केस कम होने शुरू हो गए हैं। खासकर हम बात करें इंदौर शहर की, इंदौर में केस कम होने शुरू हुए हैं, भोपाल में हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो पिक या केसेस की संख्या बढ़ती है वो इंदौर और भोपाल जैसे शहरों से बढ़ती है, उसके बाद जबलपुर और ग्वालियर की बारी आती है। तो अब लगभग बीच में जो स्थितियाँ बनी थी कि छोटे छोटे जिले में जो है इन्फेक्टेड संख्या आने लगी थी, लोगों की संख्या जो है डबल डिजिट में आने लगी थी, लेकिन अब कहते हैं कि वो पिक आकर चला गया है और धीरे धीरे केस कम हो रहे हैं।
और जो ये एक आकलन आया था, एक रिसर्च आया था जिसमें बात आ रही थी कि 10 से 12 फरवरी के बीच जो है ये वेव जो है लगभग ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएगी, तो वो हालात हाल फिलहाल देखे जा रहे हैं। और यही वजह रही कि चूंकि जिस तरीके से पाबंदियां लगी थी, तो नाइट कर्फ्यू को लेके तो अभी नहीं, लेकिन सबसे पहले शादी पर से पाबंदी हटाई गई है, बड़े राजनीतिक कार्यक्रम अभी भी नहीं होंगे, और जो हॉल की कैपेसिटी थी तो वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो वो जो हॉल की कैपेसिटी है तो वो तो अभी भी 50% कैपेसिटी के साथ ही बहुत सारी पाबंदियां अभी भी जारी रहने वाली हैं, ताकि थोड़ा तो जो है कोरोना पर लगाम लग सके, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि अचानक से फ्लक्चुएट आंकड़ा हो जाता है कोरोना का। विनोद, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि अभी पाबंदियां हटा दी गई है, धीरे धीरे बाकी पाबंदियों को भी हटा दिया जाएगा, और आने वाले कुछ वक्त में हम कहें कि दोबारा से जो है जनजीवन दोबारा से पटरी पर लौट जाएगा, लेकिन विनोद अभी की हम बात करें, ये वो वक्त है जब अब पाबंदियां शादी पर से फिलहाल हटाई गई है, तो ऐसे में ग्वालियर में क्या स्थिति अभी नजर आ रही है कोरोना के मामलों को लेकर? देखिए मैं बता दूं कि बीच में लगभग आज से 10-12 दिन पहले की हम बात करते हैं तो यहाँ संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी थी, 500, 700, 800 रोज निकल रही थी, लेकिन 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि ये आंकड़ा 200 के नीचे आ गया है, कभी 170, कभी 180, तो कभी 160 के आसपास ले रहे हैं। जहाँ तक पाबंदियों की बात है तो मैं बता दूँ, देखिए 3 चीज़ें अभी तक लोगों की पूरी तरह समझ में नहीं आ पाई है। एक तो ये कि ये कोरोना का जो असर कम हो रहा है, क्या ये वैक्सीनेशन की वजह से कम हो रहा है या पाबंदियां लगाने की वजह से लोगों ने नियमों का पालन किया है उसकी वजह से कम हो रहा है। अभी खत्म पूरी तरह नहीं हुआ है, ऐसे में अगर फिर से भीड़ सड़कों पे आ जाती है, फिर से सारी चीज़ें खुलने लगती हैं, तो ये कभी भी कमबैक कर सकता है। और अगर स्वाभाविक रूप से कम हो रहा है ये कहा जाए, तो फिर स्वाभाविक रूप से कम होने पे लोग लापरवाही बरतेंगे, और लगातार कई ऐसे हम लोगों ने आयोजन देखे हैं जहां लापरवाही लोग करते हुए नजर आती है, तो कहीं ना कहीं आशंका अभी भी है। इसलिए ये जरूरी है कि जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, संख्या जीरो ना आ जाए, इतनी पाबंदियां हटाने की आवश्यकता, जब तक पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता कोरोना, तब तक कुछ पाबंदियां तो लगी ही रहनी चाहिए, और लोगों को एटलीस्ट कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका तो पालन करना ही चाहिए। विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीप्ति आप जुड़ी रही भोपाल से, आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश भी इंदौर से हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बताने के लिए कि किस तरह का उत्साह लोगों में है और कितनी बड़ी राहत के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं जब शादी पर से जो प्रतिबंध हटा दिया गया है 250 लोगों के शामिल होने का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।